तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा में आज सेक्शन फार्मूला को लेकर आए हैं। और केवल सेक्शन फार्मूला का टेलर नहीं दिखाएंगे रे बाबा, सेक्शन फार्मूला को प्रूव करने वाले हैं, ताकि आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें फील आएगा। और दोस्तों, जब मैथ पढ़ते हो अगर उसमें फील आना शुरू हो जाए ना, तो मैथ में आप बन जाओगे डॉन, और आपका इरादा भी होगा कि मैथ में हम बने डॉन। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर बने रहिए, आराम से बताएंगे। चलिए, आज क्लास में हम लोग जानने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि यार, सेक्शन फॉर्मूला को दो पार्टों में बांटकर अध्ययन करेंगे। कहीं सर, पहले पार्ट को क्या बोलेंगे? पहले पार्ट को बोलेंगे इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। तो कहेंगे सर, दूसरे को तो हम बोल ही सकते हैं, बोलो भाई क्या? एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। कहेंगे सर, एक काम करिए, प्रूव करने के पहले टेलर दिखा दीजिए, क्योंकि टेलर एकदम शॉर्ट में दिखने में मजा आता है। वाह क्या बात है। तो यहां पे देखिए, आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अब बटा होगा एम प्लस एन। कहेंगे सर, आप बताइए आर वेक्टर यहां पे क्या है? बाबू बताएंगे कि कैसा मसाला है, अभी सबर करो, ए टेलर है। और एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला में आर वेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा, ए जो प्लस साइन दिख रहे हो ना, इसको मारो गोली, मर जाएगा। और यहां पे नेगेटिव साइन भर दो, आंसर तैयार। तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अब बटा एम माइनस एन, देख लो, दिल में बसा लो। और इसको प्रूव करेंगे पहले, उसके बाद इसका नंबर आएगा, तब तक ये बेचारा आराम से एक नींद मारेगा। अरे कोई व्यक्ति थोड़ी ना है, थोड़ा मजाक कर रहा हूं, थोड़ा समझते रहिएगा। अब यहां से काम करते हैं, इसको हटा दे क्या जी? बिल्कुल, देखो कितना स्पीड से मिटका रहे हैं नहीं सर, ये दिखा रहे हो। आइए देखिए, प्रूव करते हैं। एक काम करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, बनाना तो सिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का ए ओरिजिन होगा, जिसको हम ओ से लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का नाम पी है। और एक दृष्ट रेखाखंड लेते हैं और इसको मिला देते हैं, बन गया ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर को मैंने ए वेक्टर मान लिए। बताओ कोई गुनाह किए? कोई गुनाह नहीं किए रे बाबा, कोई गुनाह नहीं किए। और एक पॉइंट और यहाँ पे ले लिए क्यू, और एक दृष्ट रेखाखंड को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और इसको यहाँ से यहाँ पे मिला दिए। डायरेक्शन आप देख रहे हो, ए आपका हो गया बी वेक्टर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट, आपने माने हैं, इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, इसको आप माने हैं। और एक वेक्टर पी से क्यू ले लिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट को अज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं, उस पॉइंट को मैंने आर मान लिए, आर मान लिए। और ये जो पॉइंट है पी क्यू को एम अनुपात एन में अंतर विभाजित करता है, तो ए एम हो जाएगा और ए एन हो जाएगा, इतनी भर लंबाई एम और इतनी भर लंबाई एन हो जाएगा। तो हमें आर का पोजिशन वेक्टर बतानी है, तो आर का पोजिशन वेक्टर को ऐसे हम दिखाएंगे, ए हो जाएगा आर वेक्टर, और आर वेक्टर हमें निकालनी है। तो यार पिक्चर तो तैयार हो गया, पिक्चर तो तैयार हो गया। अब एक बात बताओ, यहां पे पी आर, यहां पे देखिए पी आर अब बटा आर क्यू, यहां पे देखिएगा पी आर बटा आर क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कहीं सर, यहां से यहां तक की लंबाई एम अब बटा यहां से यहां तक की लंबाई एन, क्या बात है यार, क्रॉस गुना कर देते हैं, एम इंटू आर क्यू अब बराबर एन इंटू पी आर। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आर क्यू पी क्यू ए भी तो वेक्टर है, दोनों पर वेक्टर साइन लगा देते हैं, आर क्यू वेक्टर बराबर एन इंटू पी आर वेक्टर। अब एक बात बताओ, आपने पोजिशन वेक्टर पढ़े हैं क्या? कहेंगे सर भूले नहीं है,
सबको भूल सकते हैं, पोजिशन वेक्टर को नहीं। तो यहां पे m इंटू आर क्यू वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत? यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, n इंटू ए क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। अरे पोजिशन वेक्टर को ए जो पहले इसका पोजिशन वेक्टर माइनस उसके बाद इसका पोजिशन वेक्टर। अब देखिए m इंटू ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर, आर वेक्टर बराबर एन है तो एन इंटू ओ आर वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ए वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत? अब एक काम करेंगे, एक बार इसे इसमें गुना कर लेंगे, उसके बाद इसे इसमें गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो यहां पे हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर बराबर एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर। अब एक काम करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं काजी, एम बी वेक्टर माइनस ए प्लस में प्लस एन इंटू ए वेक्टर आ बराबर, ऐसे हम डब्बा में इसको रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एन इंटू आर वेक्टर माइनस ए प्लस एम आर वेक्टर। अब एक बात और बताओ कि इधर क्या मिला, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बराबर, क्या कॉमन कर सकते हैं जी, सोचो। सोचना क्या है, कहेंगे सर आर वेक्टर कॉमन कर दीजिए, एम प्लस एन मिल जाएगा। तो यहां पे एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा जो गुना में रहता है भाग में, एम प्लस एन बराबर आर वेक्टर। इसलिए आर वेक्टर मतलब इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर क्या आया है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा एम प्लस एन। बताओ उस वक्त टेलर दिखाए थे, पिक्चर दिखा दिए, देख लो ये पिक्चर है जो मैंने प्रूव किए हैं। अगर ये जो आर पॉइंट पी क्यू का मध्य बिंदु होगा, स्पेशल केस बना लो, यहां पे स्पेशल केस समझ जाओ कि अगर आर एम एन का मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो तो ये दोनों लंबाई बराबर हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। तो m बटा n अब बराबर एक बटा एक कर सकते हैं क्या जी, क्रॉस गुना कर लो फिर मिल जाएगा। अब जहां पर इसमें m है एक रखना होगा, जहां पर n है एक रखना होगा। तो यहां पे देख लो भाई, r वेक्टर बराबर m के जगह पर एक, तो आपको मिलेगा b वेक्टर प्लस a वेक्टर बटा एक प्लस एक कितना हो जाएगा, दो। स्पेशल केस आपको बता दिए, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, देख लो प्रूव कर दिए। चलिए यहां से इसको हटाते हैं, देखो कितना आराम से, कितना आराम से बोले, कितने फास्ट मिटका रहे हैं। आगे देखो, एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला को प्रूव करने वाले हैं, एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। देखिए एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, देखो आराम से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक यहां पे पॉइंट ले लिए पी, ए हो जाएगा ओपी वेक्टर को ए वेक्टर मान लिए लेट। एक यहां पे पॉइंट ले लिए क्यू, और ए आपका बी वेक्टर हो गया, और यहां पे देखिए पी क्यू वेक्टर आपको मिल गया। हम इसको थोड़ा और आगे की ओर बढ़ाते हैं, और एक पॉइंट यहां पे ले लिए आर, ए जो आर है पी क्यू को एम अनुपात एन में विभाजित करता है, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई एम है और यहां से यहां तक की लंबाई एन है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालनी है, जिसको हम आर वेक्टर बोलेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर निकालनी है। कितना आसान है जी, बताओ हम पी क्यू अब बटा क्यू आर को क्या लिख सकते हैं। तो पी से एक मिनट, सॉरी, पी आर बटा क्यू आर, पी से आर की लंबाई पता है, क्यू से आर की लंबाई पता है, तो पी से आर की लंबाई क्या है जी, एम है।
क्यू से आर की लंबाई क्या है, एन है, क्रॉस गुना एम इंटू क्यू आर बराबर एन इंटू पी आर, दोनों वेक्टर है, वेक्टर का सिंबल लगा दिए, तो एम इंटू इसका पोजिशन वेक्टर ओ आर वेक्टर माइनस क्या होगा ओ क्यू वेक्टर, एन इंटू क्या हो जाएगा ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एम इंटू ए क्या हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर बी वेक्टर है बराबर एन इंटू ओ आर वेक्टर आर वेक्टर है माइनस ओ पी वेक्टर ए वेक्टर है। अब यहां पे क्या हो जाएगा एम आर वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर बराबर एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर। अब यहां पे एम आर वेक्टर ए प्लस है माइनस एन आर वेक्टर बराबर माइनस एन ए वेक्टर माइनस ए प्लस एम बी वेक्टर। अगर यहां से हम आर वेक्टर को कमन कर लें एम माइनस एन बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, इसलिए आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अब बटा क्या हो जाएगा एम माइनस एन। देखो प्रूफ हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा।